हेलो फ्रेंड्स, कांदेश गोटफा में अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन गोट्स का जो भी मटेरियल रहता है, जो सामान रहता है, उसके लिए जो सीमेंट्स के ट्यूब रहते हैं, मोस्टली वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं इंडिया के अंदर, ये देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, लास्ट डे भी कमेंट में पूछा था कि ऑनलाइन सीमेंट ट्यूब्स अवेलेबल है क्या गोट्स के अंदर। गोट्स के क्या, अभी अब तो काऊ और बफेलो के अंदर भी ऑनलाइन कोई ट्यूब्स, सीमेंट ट्यूब्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये कहाँ पर मिलेंगे और इसको जिनाइनली कौन बनाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ सभी किसान भाइयों को कि हम लोग अभी ऐसा एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं कि जिस भी किसान भाई को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में हमें डिटेल्स में बताएं, हम लोग उसके दौरान उसके प्रॉब्लम को लेके एक वीडियो बनाएंगे और वो पोस्ट करेंगे, जो कि उसी को लाभदायक होगा और साथ साथ जो भी अपने व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। तो बात आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। गोट्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो काम है वो बहुत कम जगह हो रहा है, इसमें सक्सेस रेट भी अच्छा खासा है और छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी प्रोग्राम है। अभी गवर्नमेंट सपोर्ट से तो ये ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट है इसको, जैसे कि आपने देखा होगा काऊ और बफेलो में, गाय भैंस के अंदर गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। गवर्नमेंट का एक प्लान भी है उस प्लान के तहत, और बाकी कुछ एनजीओज हैं, वो एनजीओ भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन काऊ एंड गोट्स को रन करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत कम पैसे में और बहुत ही मतलब इजीली आपको गाय के लिए और भैंस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विस एवरी जगह अवेलेबल है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ गोट्स के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं। एमपी गवर्नमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनके ये प्रोग्राम रन किया है और वो सक्सेसफुली चला रहे हैं, पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अभी भी ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है यहाँ पर कि गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे है नहीं, आपको खुद जाके परचेस करना है। ये कॉस्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने के कारण कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक छोटे किसान को सिंपल तौर पे अफोर्डेबल नहीं होती है या वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू गाय भैंस। आप अगर सिंपली आपके गाय भैंस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कोई भी प्लान अरेंज करते हैं तो वो इजीली 150 से 200 रुपए मैक्सिमम में आपको सर्विस अवेलेबल हो जाएगी आपके फार्म पर, आपके घर पर। पर गोट्स में ऐसा कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उस कारण यहाँ पर कॉस्ट चली जाती है ज़्यादा। ये कॉस्ट जाती है अराउंड 400 से 500 रुपए एक गोट के लिए, और इस कारण ये प्राइवेट जो वेटरनेरियन से ये प्रैक्टिस करती नहीं, क्योंकि किसान जो है इतनी महंगी कंपैरिजन टू गोट काऊ और बफेरो इतनी महंगी पड़ जाती है, उससे मतलब दुगना तिगना पैसा देना पड़ता है, इसीलिए किसान ये सर्विस लेते नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, किसानों को इस बारे में पता भी नहीं है, जो भेड़ बकरी संभाल रहे उन किसानों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि बकरी के साथ भी वो कृत्रिम रेतन के दौरान बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ट्यूब कर सकते हैं सिंपली, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं गोट्स में। ये किसानों को पता ही नहीं है, उस कारण प्रॉब्लम ये आती है कि किसानों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और नॉलेज न होने के कारण उस सर्विस लेना है इसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसलिए ये सर्विस आपको ना गवर्नमेंट के सेंटर्स पे अवेलेबल है, ना कोई वेटरनरियन प्राइवेटली ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जो ट्यूब बनती है, सीमेंट का ट्यूब। मोस्टली अभी जो गोट्स में ट्यूब बनती है वो बनती है बोयर गोट का सीमेंट, उसके बाद में दमस करके जो है ब्रीड जो साइबेरिया से आती है उसका सीमेंट बनता है, उसका सीमेंट ट्यूब बनती है। साथ साथ में हुए महाराष्ट्र का जो उस्मानाबादी करके गोट है उसका भी सीमेंट ट्यूब बनते हैं, और अल्पाइन करके जो गोट है, दूध का गोट है जो दूध ज़्यादा देता है, इंग्लैंड से रिलेटेड है वो, इंग्लैंड का जो गोट है वो, और बीटल, इन दोनों का क्रॉस करने के बाद जो 50% अल्पाइन और 50% बीटल का जो मेल है, इन मेल्स का भी सीमेंट ट्यूब अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ सेंटर्स पर आपको जमुनापारी का, सानेन का,
और बारबरा का, इनका सीमेन ट्यूब अवेलेबल है। राजस्थान में जो रिसर्च सेंटर्स चल रहे हैं सिरोही पे, स्पेशली डोंग जिले में राजस्थान के, वहाँ पर आपको सिरोही का सीमेन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें कहाँ पर मिलती है, तो महाराष्ट्र के अंदर, जो इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट बनाती है, फिर भी जो जीनाइन है और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में या एनजीओ को साथ में लेके काम कर रहे, ये बहुत गिनी चुनी संस्था है। तो सबसे बड़ी संस्था है महाराष्ट्र के अंदर में फलटन करके, एक छोटा सा तहसील है, यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा, इन्होंने ही सबसे पहले बोर को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, निमकर सीड्स करके इनकी कंपनी का नाम है। और ये नारी संस्था के अंदर सीमेंट ट्यूब्स बनाती है, ये एनजीओ है, साथ में इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो आपको फलटन जाके सीमेंट ट्यूब खुद जाके परचेस करना होगा, ये लोग आपको कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे लाके देते नहीं है या भेजते नहीं है। आप इंडिया के किसी भी जगह पे रह रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, फलटन जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको इनकी संस्था से पर्टिकुलरली सीमेंट ट्यूब लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बोयर के सीमेंट ट्यूब अवेलेबल हो जाएंगे, जिनाइन बोयर सीमेंट ट्यूब अगर आपको लेना है तो आप फलटन आके ही निमकर सीड से ट्यूब्स खरीदना है आपको, आप कोई भी अलग जगह से ना खरीदे, क्योंकि इनके पास में खुद का लैब है, खुद का रिसर्च है और यही लोग है जिन्होंने बोयर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इनके पास अभी भी बड़ी तादाद में जो प्योर लाइन गोट्स जो अवेलेबल किए गए थे साउथ अफ्रीका से, साथ ही साथ उन प्योर लाइन के गोट्स से जो बच्चों ने जन्म लिया है वो बच्चों के सीमेन ट्यूब्स अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। जिस बकरे का, जिस बोर के मेल का, जिस दमस्क के मेल का, जिस उस्मानाबादी के मेल का सीमेन आपको अवेलेबल होना है या करा रहे हैं, वो सामने वो जानवर आपको दिख जाता है, टैग नंबर आप देख सकते हैं कि ये जो सीमेंट ट्यूब आप परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उनसे, वो मेल कहाँ पे है, उसका साइज शेप कलर क्या है, उसका एज क्या है, सब डिटेल्स आपको सिंपल सिंपल सामने दिखाएंगे वो लोग, और आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो ये सबसे जिनाइन संस्था है जहाँ से आप सीमेंट ट्यूब्स खरीद सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर और सीमेंट ट्यूब्स खरीदना है मोस्टली अबाउट सिरोही गोड्स, तो आपको राजस्थान में डोंग जिले में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अविक नगर करके गांव है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी सीमेंट ट्यूब्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, पर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सीमेंट ट्यूब अवेलेबल नहीं थे। जैसे आप फलटन चले जाओ, कभी भी चले जाओ, आपको सीमेंट ट्यूब्स मिल जाएगी छुट्टी छोड़ के, पर आप अगर राजस्थान डोंग जिले में चले जाओ तो ये उनके गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वो उनके स्पेसिफिक एरिया के लिए और उनके स्पेसिफिक जरूरत के लिए सीमेंट ट्यूब्स बनाते हैं। तो आपको पहले उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, पहले आपका डिमांड बताना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको सीमेंट ट्यूब्स अवेलेबल की जाएगी। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको वहाँ पर सीमेंट ट्यूब्स अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसके बाद थर्ड जिनाइन जो संस्था है, ये गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिसर्च सेंटर है आगरा में, उत्तर प्रदेश में फरा मखदूम करके गांव है, वहाँ पर आपको रिसर्च सेंटर जो है गोट्स का, वहाँ पर जमुनापारी का, बारबरा का, इनका अभी वो सीमेन अवेलेबल करा रहे हैं। और साथ ही साथ में ये लोग अभी ब्लैक बंगाल, जो पश्चिम बंगाल का ब्रीड है अपना रजिस्टर्ड ब्रीड, उसके ऊपर भी अभी सीमेन प्रोडक्शन करके उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का रोल करा रहे। तो ये कुछ गिने चुने संस्थाएं, यहाँ से आपको ऑथराइज और लीगल ट्यूब्स मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सीमेंट ट्यूब सप्लाई करेगी, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप उन इंस्टीट्यूट से सीमेंट ट्यूब ना परचेस कीजिए, आप उनसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी क्वालिटी के बकरे संभाल के ही लेते हैं, पर जो ऑथराइज है, जिनके खुद के अच्छे सेंटर्स है, जिनका रिसर्च है, ये गिने चुने ही संस्थाएं, इसमें महाराष्ट्र का निमकर सीड्स आता है, राजस्थान में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है डोंग जिले में अविक नगर में वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ में फरा मखदूम आगरा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गोट्स के ऊपर रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आपको ट्यूब मिल जाएगा। तो सिंपली आपको खुद जाके ये सीमेंट ट्यूब्स परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि हो गया समझो गन हो गई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो गन लगती है वो गन हो गई, ये अलग रहती है गाय भैंस के लिए, गोट्स के लिए अलग रहती है, तो आप गोट्स को जो लगती है पर्टिकुलर वो खरीद सकते हैं।
मे भी कुछ स्किल वेटरनरी जो है, जो गाय भैंस की गंदी गोट्स में यूज करते हैं, तो उसमें सिर्फ साइज का डिफरेंस रहता है, बाकी कुछ नहीं। इस गन को सीमेंट ट्यूब इस्तेमाल करने के लिए एक शीट लगती है, ये शीट भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही साथ बाकी जो भी चीजें लगेंगी आपको ये लोकली आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज होना है इसके अंदर, तो ये तीन चार संस्थाएं जो हमने अभी डिस्कस किया है, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट पे आपको सभी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगे। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आ रही, किसी संस्था का एड्रेस, फोन नंबर या और कुछ मिलने में, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट्स में आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स उसके बारे में दे दूंगा। धन्यवाद किसान भाइयों। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको अवेलेबल कर दे रहा है ऑनलाइन वगैरह बेसिस पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वहाँ से मत परचेस किए, खुद जाके ही परचेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। धन्यवाद।